हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में हमें दिया गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे और हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है, और ये चीज़ हमें चेक करनी है उनको डिवाइड करके। यानी कि हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और तब ये चेक करेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का एक फैक्टर है या नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फैक्टर हम उस नंबर को बोलते हैं जो किसी एक नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड खुद 12, क्योंकि जो 12 है वो इन सभी नंबर से ईजिली डिवाइड हो जाता है। और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम ये कहते हैं कि डिवाइड कंप्लीट हो गया है और ये नंबर इस दूसरे का एक फैक्टर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे और अगर हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का एक फैक्टर है, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में हम टी स्क्वेयर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इस सेकेंड पॉलिनोमियल को। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिवीज़न के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये देखेंगे कि टी स्क्वेयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 2t की पावर 4 हो जाए। यानी कि टी स्क्वेयर को एक ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2t की पावर 4 बन जाए। तो इसके लिए हम टी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वेयर से, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टी स्क्वेयर एंड 2t स्क्वेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो 2t की पावर 4 होता है, जो कि यहाँ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है। तो इसलिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले 2t स्क्वेयर को लिख देंगे। ये हमने यहाँ पर 2t स्क्वेयर को लिख दिया है और अब इस 2t स्क्वेयर को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस टी स्क्वेयर के साथ। तो इस टी स्क्वेयर के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें टर्म यहाँ पर मिलती है 2t की पावर 4, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद 2t स्क्वेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 3 के साथ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म हमें मिलेगी वो हो जाएगी -6t स्क्वेयर, क्योंकि 3 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 6 होता है और यहाँ पर जो t की पावर है वो 2 है। तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट को हम एक ऐसे टर्म के नीचे लिखेंगे जहाँ पर t की पावर 2 हो। तो इसलिए हम इस -6t स्क्वेयर को 3t क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं -2t स्क्वेयर के नीचे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों में सेम पावर है, दोनों टर्म में ही t की पावर 2 है। अब ये दोनों टर्म लिखने के बाद हम इनके साइन चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2t की पावर 4 एक पॉजिटिव टर्म है, इसलिए इसका साइन चेंज करके हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह से -6t स्क्वेयर ये एक नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए इसका भी साइन चेंज करके हम इसके साथ एक प्लस का साइन लगा देंगे। और अब साइन चेंज करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2t की पावर 4 ये प्लस में है और इसके नीचे 2t की पावर 4 साइन चेंज करने के बाद ये माइनस में हो गया था। तो एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में है, इसलिए दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 3t क्यूब को हमने एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2t स्क्वेयर ये नेगेटिव में है, यानी कि ये माइनस में है, और इसके नीचे जो 6t स्क्वेयर है वो साइन चेंज करने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि हमारे पास एक टर्म का कोफिशेंट है -2
और दूसरी टर्म का कोफिशियंट है 6, जो कि साइन चेंज करने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था। तो अब हमें पता है कि माइनस टू एंड प्लस 6, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 4। इसलिए इन दोनों को सोल्व करके हमने यहाँ पर लिख दिया है 4t². इसके बाद माइनस 9t को एज इट इज हमने लिख दिया है और माइनस 12 को भी एज इट इज हमने लिख दिया है बिना कोई चेंज किए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम टी स्क्वेयर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 3t³ हो जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि टी स्क्वेयर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट पे हमें 3t³ मिल जाए। तो इसके लिए हम टी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 3t के साथ, क्योंकि टी स्क्वेयर एंड 3t का जो प्रोडक्ट होगा वो 3t³ होता है। तो इसलिए अब इस 3t को हम लिखेंगे अपने क्वोशेंट में, और अब इस 3t को मल्टीप्लाई करना होगा पहले टी स्क्वेयर से और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। तो जब हम 3t को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलता है 3t³। उसके बाद जब हम 3t को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा माइनस 9t, और इस माइनस 9t को एक ऐसी टर्म के नीचे हम लिखेंगे जहां पर t की पावर इसी तरह से 1 हो। तो इसलिए माइनस 9t को हम इस माइनस 9t के नीचे ही लिख देंगे। अब उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के बाद ये जो 3t³ है इसके साथ हम लगा देंगे माइनस का साइन, और ये जो माइनस 9t है इसके साथ हम लगा देंगे प्लस का साइन। और जब अब इनको सोल्व किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक 3t³ प्लस में है और दूसरा 3t³ साइन चेंज होने के बाद माइनस में बन गया था, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 4t² को एज इट इज़ हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, और फिर ये जो 9t है ये माइनस में है और दूसरा जो 9t है वो साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि एक टर्म माइनस में है और दूसरी टर्म प्लस में है, तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम माइनस 12 को एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। तो अब हमारा स्टेप ये होगा कि टी स्क्वेयर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 4t² हो जाए। तो टी स्क्वेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे टर्म के साथ कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4t² आना चाहिए। इसके लिए आप यहां पर देख सकते हो कि टी की पावर दोनों तरफ सेम है, यानी कि हम टी स्क्वेयर को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4t² बन जाए। और अब अपने क्वेश्चन्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे 4 को, और इस 4 से हम सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वेयर को, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 4t². उसके बाद इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, एंड 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है माइनस 12। और अब इन दोनों टर्म्स के जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि इस 4t² के साथ हमने माइनस का साइन लगाया और इस माइनस 12 के साथ हमने प्लस का साइन लगाया। और अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक 4t² प्लस में है और दूसरा 4t² साइन चेंज होने के बाद माइनस में आ गया था, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये माइनस 12 है और इसके नीचे जो 12 है वो साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि एक 12 माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल ने सेकंड पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल
टी स्क्वेयर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल दैट इज टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वेयर माइनस नाइन टी एंड माइनस ट्वेल्व. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रिमाइंडर इज जीरो, हेंस फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल. इसके बाद ठीक इसी तरीके से करते हैं हम इस सम का सेकेंड पार्ट, जहां पर फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और सेकेंड पोलिनोमियल में हमें थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू दिया गया है. तो जब हम डिवाइड करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि एक्स स्क्वेयर को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका जो प्रोडक्ट है वो थ्री एक्स की पावर फोर हो जाए. इसके लिए हम इस एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर के साथ, क्योंकि एक्स स्क्वेयर और थ्री एक्स स्क्वेयर का जो प्रोडक्ट है वही होता है थ्री एक्स की पावर फोर. उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म में 3x की पावर 4 ही है, इसलिए हम क्वेश्चेंट में सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर को. तो यहां पर हमने क्वेश्चेंट में सबसे पहले 3x स्क्वायर को लिखा, और इस 3x स्क्वायर के साथ हम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनता है 3x की पावर 4. इसके बाद हम इस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बन रहा है 9x क्यूब. फिर इस 3x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट सिर्फ 3x स्क्वायर ही आएगा. अब इन तीनों टर्म्स के हम साइन चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3x की पावर 4 इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाया, 9x क्यूब इसके साथ भी हमने माइनस का साइन लगाया, और 3x स्क्वायर के साथ भी हमने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि तीनों टर्म्स पॉजिटिव थी तो साइन चेंज करने के बाद हमने तीनों के पास नेगेटिव साइन लगा दिया है. तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि 3x की पावर 4 प्लस में है, और इसी के साथ जो दूसरा 3x की पावर 4 है वो साइन चेंज होने की वजह से माइनस का हो गया था, यानी कि ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर उसके बाद 5x क्यूब ये पॉजिटिव है, और इसके साथ जो 9x क्यूब है वो साइन चेंज होने के बाद नेगेटिव यानी कि माइनस में हो गया था. तो आप देख सकते हो कि एक टर्म का जो कोफिशियंट है वो है प्लस का 5, और दूसरी टर्म का जो कोफिशियंट है वो है माइनस 9, यानी कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए जो इनका डिफरेंस होगा वो आ जाएगा माइनस 4, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लिख सकते हैं माइनस 4x क्यूब. फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 7x स्क्वायर है ये नेगेटिव में है, ये माइनस में है, और इसके नीचे जो 3x स्क्वायर है वो भी साइन चेंज होने के बाद माइनस में ही आ गया था, यानी कि यहाँ पर दोनों ही टर्म नेगेटिव है. एक टर्म का कोफिशियंट है माइनस 7 और दूसरी टर्म का कोफिशियंट है माइनस 3. जब दोनों ही नंबर नेगेटिव होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं और उनके रिजल्ट को माइनस में लिखते हैं, यानी माइनस 7 माइनस 3 बन जाएगा माइनस 10, और इस तरह से इन दोनों के रिजल्ट में हम लिख सकते हैं माइनस 10x स्क्वायर. फिर उसके बाद हमने 2x को एज इट इज लिख दिया है, और इस प्लस 2 को भी एज इट इज हमने लिख दिया है. अब उसके बाद हमारा स्टेप ये होगा कि इस x स्क्वायर को एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 4x क्यूब हो जाए. तो इसके लिए हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से कि आंसर में हमें माइनस 4x क्यूब मिल जाए. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो हमें माइनस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो इसलिए x स्क्वायर को किसी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. कोफिशेंट है यहाँ पर 4, तो यानी कि हम x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिजल्ट में x की पावर 3 है, यानी कि इस 2 को हमें एक पावर इंक्रीज करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 4x से, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 4x की पावर 3 बन जाए. तो क्वेश्चेंट में हमने लिख दिया है माइनस 4x को, और माइनस 4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर को,
और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा माइनस फोर एक्स क्यूब। इसी तरह से अब 4x को मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x से, तो 3x एंड माइनस 4x का जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 4x ही आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज किए जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4x क्यूब एक नेगेटिव टर्म है, इसलिए हम इसका साइन चेंज करके प्लस का साइन इसके साथ लगा देंगे। माइनस 12x स्क्वायर ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए इसका भी साइन चेंज करके हम इसके साथ प्लस का साइन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 4x ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो इसका भी साइन चेंज करके हम इसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे। अब जब इनको सोल्व किया जाएगा तो 4x क्यूब ये माइनस में है और 4x क्यूब ये साइन चेंज होने के बाद प्लस में हो गया था, यानी कि दोनों टर्म्स के अपोजिट साइन है, तो इसलिए ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। फिर 10x स्क्वायर ये माइनस में है और 12x स्क्वायर ये साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि इन दोनों टर्म्स में एक टर्म का कोफिशेंट है माइनस 10 और दूसरी टर्म का कोफिशेंट है प्लस 12। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि प्लस वाला नंबर यहाँ पर बड़ा है, तो 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 2। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद 2x ये पॉजिटिव टर्म है और इसी के साथ जो 4x है साइन चेंज करने की वजह से ये भी प्लस में ही हो गया था, तो 2 और 4 दोनों प्लस में है, इसलिए इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 6x। फिर उसके बाद इस 2 को यहाँ पर एज इट इज़ हम लिख देंगे बिना कोई चेंज किए। तो अब हमारा स्टेप ये होगा कि इस एक्स स्क्वायर को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 2x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ 2 से। अगर हम 2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है 2x स्क्वायर। फिर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x से तो इनका प्रोडक्ट हमें मिलता है 6x। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इस 1 को तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब यहाँ पर भी हम साइन चेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है, इसलिए इसके साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया। 6x पॉजिटिव टर्म है, इसके साथ भी माइनस का साइन। 2 पॉजिटिव टर्म है, इसलिए इसके साथ भी माइनस का साइन। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, 6x से माइनस का 6x कैंसिल आउट एंड 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है, यानी कि अगर डिवीजन कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं हम इसी सम का थर्ड पार्ट, जहां पर फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड सेकंड पॉलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन जब हम डिविडेंड को लिखेंगे यानी कि जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है, हमने सबसे पहले लिखा है इसकी फर्स्ट टर्म जो कि है x की पावर 5। और आप यहाँ इस सेकंड पॉलिनोमियल में ये देख सकते हो कि x की पावर 5 के बाद इसमें x की पावर 4 वाली टर्म नहीं है, क्योंकि x की पावर 5 के बाद डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है x की पावर 3। तो इसके लिए जो यहाँ पर मिसिंग टर्म है उसको हम खुद अपनी तरफ से लिखेंगे 0x की पावर 4। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम में जब डिविडेंड में कोई टर्म अगर मिसिंग होती है तो उसको हम खुद अपनी तरफ से लिखते हैं 0 का यूज करके। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं इस माइनस 4x क्यूब को एंड देन एक्स स्क्वायर को, उसके बाद 3x और 1 को। तो इस तरह से ये जो डिविडेंड है यहाँ पर x की सभी पावर्स वाली टर्म अवेलेबल है। सबसे पहले x की पावर 5, फिर x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म।
तो जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि x क्यूब को एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो x की पावर 5 हो जाए, यानी x की पावर 3 को x की पावर 5 में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी दो पावर इंक्रीज करनी है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो टर्म लिखी है वो है एक्स स्क्वायर, और अब इस एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले एक्स क्यूब को, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा एक्स की पावर 5। फिर एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x के साथ, और इनका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा माइनस 3x क्यूब। तो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, इसलिए इसको एक ऐसे ही टर्म के नीचे हम लिखेंगे जहाँ पर x की पावर 3 आए। तो इस टर्म के नीचे हम एक्स क्यूब वाली टर्म को नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x क्यूब, जिसको हमने माइनस 4x क्यूब के नीचे लिखा है। फिर जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स का हम साइन चेंज करेंगे, तो आप देख सकते हो कि x की पावर 5 के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया, माइनस 3x क्यूब के साथ हमने प्लस का साइन लगाया, और एक्स स्क्वायर के साथ हमने माइनस का साइन लगाया। अब इनके साइन चेंज करने के बाद इसको सोल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 5 प्लस में है, और इसी के नीचे साइन चेंज होने के बाद जो x की पावर 5 है वो माइनस में है, यानी कि दोनों टर्म के साइन अपोजिट है, इसलिए दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू है 0, इसलिए हम इसको नीचे नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4x क्यूब माइनस में है, और 3x क्यूब साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, यानी एक टर्म का कोफिशियंट है माइनस 4 और दूसरी टर्म का कोफिशियंट है प्लस 3। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए जो इनका आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस 1, यानी कि हम इनके रिजल्ट में लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 1 को हम कोफिशियंट में लिखे या ना लिखे उससे कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, और दूसरा एक्स स्क्वायर साइन चेंज होने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए ये दोनों टर्म भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर हमने 3x और 1 को एज इट इज लिख दिया है। अब हम एक्स क्यूब को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस एक्स क्यूब हो जाए। तो जिससे कि आप देख सकते हो एक्स क्यूब दोनों में एक्स की पावर सेम है, हमें केवल उसके आगे ये माइनस का साइन चाहिए। तो इसलिए हम एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, और अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे माइनस 1 को। तो माइनस 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म माइनस में है, तो इनका प्रोडक्ट प्लस में हमें मिलेगा जो कि है 3x, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा माइनस 1। अब हम इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस एक्स क्यूब के साथ हमने प्लस का साइन लगाया, 3x के साथ हमने माइनस का साइन लगाया, और माइनस 1 के साथ प्लस का साइन लगाया। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस में है, लेकिन ये एक्स क्यूब साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये 3x प्लस में है, और ये 3x साइन चेंज होने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए ये दोनों टर्म भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये 1 प्लस में है, और जो दूसरा 1 है साइन चेंज होने के बाद वो भी प्लस में ही आ गया था, यानी कि दोनों 1 पॉजिटिव है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। अभी जो 2 है ये हमारा है रिमाइंडर, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में हमें 0 नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा कि इस फर्स्ट पॉलीनोमियल ने सेकंड पॉलीनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, यानी कि फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकंड पॉलीनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट 0, हेंस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल। तो इस तरह से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कोई एक पॉलीनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा
तो हम कहेंगे यस ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो। अब जो 2.3 के बाकी सम है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।